हेलो गाइस गुड इवनिंग सभी को जो भी हैं यहाँ पर जस्ट uh, मुझे कंफर्म कीजिए मेरी आवाज सभी को आ रही है और मेरी यहाँ पर मैं अभी आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ अगर आप देख पा रहे हैं तो चैट में मुझे बता सकें थैंक यू एवरीवन जस्ट कंफर्म करने के लिए जस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है ओके गुड थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन चलिए यहाँ पर स्लोली हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा वेबिनार नंबर थ्री है हम दो वेबिनार कर चुके हैं आपने अगर ज्वाइन किया होगा पहले दो वेबिनार हम फिब्योनाकी पार्ट वन पार्ट टू कर चुके हैं वहाँ पर हमने बेसिक से समझा था कि कैसे फिब्योनाकी को यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या है और फिर स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई की थी जो हमने चार्ट में देखा था अब यहाँ पर जो ये थर्ड वेबिनार है हमारा बोलेंजर बैंड के ऊपर है ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पहले हम यहाँ पर इसको समझेंगे दूसरे में हम थोड़ा स्ट्रेटेजी और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर सेशन में आपके एंड ऑफ द सेशन हम जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे हम टेन मिनट का सेशन रखेंगे दस पंद्रह मिनट का आप वहां पर जो भी एंड ऑफ द सेशन आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पर हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे इन द मीन टाइम जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में कर सकते हैं या एंड ऑफ द सेशन में सभी को अटेंड करने की कोशिश करूंगा अभी के लिए जैसे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो भी यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एजुकेशन पर्पज के लिए है उसके बेस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए तो ये एक एजुकेशन पर्पज़ है इसको सीखिए फिर आप जब इसको अप्लाई करें तो डेमो से फिर या फिर आप रियल अकाउंट में इसको देखिए पहले इसको आपको टेस्ट करना होगा आ, जो भी हम यहाँ पर वेबिनार करते हैं तो कैटेगरी कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हुआ है जैसे कि साइकोलॉजिकल हैं कुछ वेबिनार किए हुए हैं फंडामेंटल के ऊपर किए हुए हैं अभी जो हमारा है अब ये टेक्निकल हम फिबोनाके को किया हुआ है अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर टेक्निकल करेंगे ये बोलिंजर बैंड के ऊपर करेंगे तो बोलिंजर बैंड में पहले हमें समझना होगा कि बोलिंजर बैंड होते क्या है क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है जब जब तक आपको बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम सीधा बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है कैसे अप्लाई करें कैसे यूज करें पर आपको पहले बेसिक चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि होता क्या है क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं क्या सेटिंग्स हैं क्या यूज कर सकते हैं वो सभी आपको हम यहाँ पे समझना होगा तो बोलिजर बैंड को यूज कैसे कर सकते हैं इसका सेटअप क्या होता है सेटिंग क्या है ये सभी चीजें और उन लाइंस का मतलब क्या है मैं आपको आप, पहले आपको चार्ट यहाँ पर शेयर करूंगा ताकि आपको बेसिक चीजें पहले यहाँ पर पता चल सके तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर बेसिक जस्ट एक कंफर्मेशन दीजिए मुझे चैट में कि चार्ट क्लियर है विजिबल है ओके थैंक यू थैंक यून थैंक यू सागर जस्ट uh, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिंपल चार्ट है पहले हमें बेसिक चीजों को पता करना होगा कि बोलिंजर बैंड होता क्या है क्या इसका मतलब है तो बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है जो जॉन बोलिजर ने इसको इन्वेंट किया था जब वो भी एक ट्रेडर थे और फिर उसके बेस पे उन्होंने एक इंडिकेशन है कि मार्केट की रेंज क्या रहती है किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं तो हम सभी चीजों को यहाँ पर समझेंगे बस बेसिकली यहाँ पर ये यह क्लियर चार्ट है ट्रेडिंग व्यू में मैं यहाँ पर हूँ इंडिकेटर में आप जाएं अगर मैं यहाँ पर सीधा बोलिजर या बी

जो नए हैं उनके लिए एक अच्छा सेजन होगा ताकि आप कुछ नया यहाँ पर सीख सकते हैं तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से एक क्लाउड चलता है प्राइस के अराउंड अब इसका मतलब क्या होता है क्या है ये किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं तो बोलिंजर बैंड सीधा अगर यहाँ पर आप देखें तीन लाइन्स होती हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपर लाइन मिडल लाइन और एक डाउन लाइन

जो वो ट्वेंटी आ रहा है जब आप लगाते हैं ट्रेडिंग यू में सिंपल ये डिफ़ॉल्ट ट्वेंटी आएगी आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं तो अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊं जैसे मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं लेंथ जो है ट्वेंटी है अगर मैं इसको हंड्रेड कर देता हूं तो आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा ये देखिए उसकी रेंज बढ़ जाएगी और उसकी जो हंड्रेड मूविंग एवरेज है उसकी जो आप देखते हैं वो स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी जितना मैं कम करता जाऊंगा उतनी वो वोलेट, वोलेटाइल हो जाएगी और रेंज एरिया भी कम हो जाएगा तो हमने 20 से जब हंड्रेड किया आप देखें तो वो बड़ा हो गया एरिया अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ मैं हंड्रेड से इसको एट या नाइन पे ले आता हूँ मतलब कि मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ पर एट या नाइन मूविंग एवरेज कर देते हैं तो आप देखिए एरिया भी कम हो जाता है और उसकी रेंज भी कम हो जाती है तो सिंपल समझने के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बॉलिजर बैंड ये आपको बताता है सिंपल मूविंग एवरेज और उससे डेविएशन प्राइस का अपर साइड और डाउन साइड यह चीज हम यहाँ पर समझेंगे तो सिंपल चीज अभी यहाँ पर ये बताने के लिए मैं चलता दोबारा से आपके साथ डेक में वॉइस इज ब्रेक संतोष ने कमेंट में लिखा है संतोष वॉइस इज ब्रेक क्या सभी को आवाज क्लियर है मुझे बताइए मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को से, हाँ, तो आवाज तो, है हाँ, आ, से है सबने कमेंट में यस बोला थैंक यू तो आप चेक कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी दोबारा से हम यहाँ पर चलते हैं अपने डेक में तो ये मैंने बात की सेटअप सेटिंग उन लाइंस का मतलब क्या है जैसे मैंने बोला Average, वो 20 होती है, उसको कम करना चाहे 8. तो जितनी आप सेटिंग सिंपल मूविंग एवरेज की करेंगे उतना वो दिखाएगा, उसकी इतनी रेंज बढ़ तो हंड्रेड मूविंग एवरेज लूंगा तो हंड्रेड से कितना डेविएशन ज्यादा होगा कम होगा उसकी उतनी रेंज होगी और अगर मैं एट या नाइन लूंगा तो वही रेंज कम होती चली जाएगी और डेविएशन का एरिया भी कम होता चला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्टी बेस्ट है जो आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं वो सभी टाइम फ्रेम पर अप्लाई होती है वो भले ही आप फाइव मिनट में हो फिफ्टीन मिनट वन आवर या फोर आवर तो जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतना तो एरिया रेंज आपकी बड़ी होती चली जाएगी तो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर ये बात करी और स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंड

आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहां पर देखें आ, जस्ट क्लियर करने के लिए एक बार और क्या व्हाइट बोर्ड सभी को क्लियर है दिख रहा है एक बार और कंफर्म कीजिए ओके थैंक यू थैंक यू यून थैंक यू अगेन uh, तो यहां पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको बता रहा हूँ उसका क्या लिंक होगा प्राइस से उसको आप यहां पर समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन यही था कि आपका जो एक मीन होता है जो एक मिडिल लाइन होती है यहां पर आपका जो एवरेज नंबर कोई भी नंबर आप ले लीजिए जैसे मैं कहूं कि कुछ दस इंडेक्स नंबर हैं कुछ पांच ना नौ दस बारह आठ और उनका जो भी एवरेज आता है वो मिडल में रहता है कि ये सभी का एवरेज है ठीक है तो मोस्टली जो प्राइस है वो ये आपका एवरेज इसमें है अब इससे स्टैंडर्ड एवियशन जो एक इस तरीके ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ इसका मतलब होता है ये स्टैंडर्ड प्लस वन और माइनस वन ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस प्राइस से या उस नंबर से जो भी आप कहना चाहें इसमें जो रहता है mean, जो एरिया रहता है वो आपका थर्टी फोर इधर और थर्टी फोर इधर तो मतलब कि ये परसेंट के आसपास इसमें प्राइस आपका मूव करता है सिक्सटी एट परसेंट ही नंबर है आप इसको चेक कर लीजिएगा तो ये थर्टी फोर थर्टी फोर परसेंट सो मतलब मीन से जो भी उसका मीन है उससे कितना डेविएशन इसकी जो रेंज रहेगी वो आपका सिक्सटी एट परसेंट तक रहती है इसके बाद आपकी दो और रेंज आ जाती हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन टू प्लस टू और यहां पर अगर हम माइनस एरिया तो ये, ये आपका आ जाता है नाइन्टी फाइव परसेंट कहने का मतलब जो इंडेक्स नंबर है जो मेन मीन है जो रेंज है उससे कितना डेविएशन जो है वो जो इस रेंज में होती है इंदो इन स्टैंडर्ड एविएशन के बीच में 95 परसेंट इस एरिया में फॉल करेगा और ये जो आप देख रहे हैं जहां पर आपका जियोग्राफिकली ये आपका एरिया काफी बड़ा है और इसके अंदर 2.5 परसेंट इधर और 2.5 परसेंट इधर फॉल करता है मैं आपको प्रा, प्राइस में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो भी प्राइस हो जो भी नंबर हो, जो मीन होता है, हमें पर अगर सिंपल मूविंग एवरेज यहां पर कहें उससे कितना डेविएशन यहां पर प्राइस होता है तो ये जो रेंज है मोस्ट ऑफ द प्राइज नंबर इस एरिया में मूव करते हैं अगर मैं यहाँ पर आपको डेक में दोबारा लेके चलता हूं यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज जो मैंने आपको बताई है वहां पर मैंने बताई है मैं यहाँ पर आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो है आपका उससे 34 इधर, 34 ये आपका उससे इधर ये जो यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं और सेम नाइनटी फाइव परसेंट ये आपकी रेंज तो विद इन इस रेंज में आपका मोस्ट ऑफ द प्राइस यहाँ पर मूव करता है और बाद में जो रह जाता है जियोग्राफिकली काफी बड़ा है पर उसमें केवल पांच ही नंबर आते हैं अगर हम इसको चार्ट में बात करें दोबारा से चार्ट में चलते हैं ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर uh, मैं ड्राइंग को क्लियर कर देता हूं यहाँ पर आए तो अगेन अगर प्राइस आपका इस रेंज में है जो भी है ये मीन है आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये आपकी मीन है इससे जो डेविएशन है ऊपर की तरफ और इससे जो डेविएशन है नीचे की तरफ और ये जो बोलिंजर बैंड बन रहा है जो एक रिबन बन रहा है जो प्राइज है इसी रेंज में जो मैक्सिमम रहता है जो आपका मैक्सिमम ये रेंज रहेगी आप देखेंगे कभी भी जो प्राइज है इससे बहुत ही कम क्लोज होता है मतलब कि आउट इससे क्लोज होगा होगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा और वो रेंज बहुत कम बढ़ जाती है वो 2.5 परसेंट जैसे मैंने बोला बहुत कम रह जाती है तो अगर हम इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करें आप यहाँ पर देख सकते हैं कहां, कहां पर ये आउटसाइड क्लोज हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर आप देखिए वो वो तो आपको समझने के लिए जैसे मैंने बोला मूविंग एवरेज से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना ऊपर की तरफ कितना नीचे की तरफ अब स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से मैं अपने इसमें डेक में चलता हूं यहां पर आते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने समझा अब ये

कंफ्यूज ना हो कि ये हमारी मूविंग एवरेज चल रही है प्राइस यहां पर है तो जब प्राइस ऊपर की तरफ इसके ऊपर के एरिया में टच करेगा इसका मतलब क्या होगा मुझे कमेंट में बताइए अगर आपने अभी तक समझा होगा अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ टच करता है तो ये ओवर होता है या ओवरसो सुबह बिल्कुल ठीक है ओवरबोट तो यहाँ पर आपका एक इंडिकेशन है कि ये ओवर और जो प्राइस नीचे जाता है नीचे के रिबन को टच करता है तो इसका मतलब है आपका ओवर सोल्ड तो जस्ट एक इंडिकेशन है जो आपको मार्केट की रेंज बताता है ये इंडिकेटर की कब ओवर है कब ओवर है और किस रेंज में मार्केट मूव करती है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं अब यहाँ पर दोबारा से आगे हम चलते हैं अपने डेक में तो यहां पर समझने के लिए प्राइस जो है वो क्या कर सकता है हम हमेशा जब भी देखते हैं तो इस इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस क्या कर सकता है प्राइस केवल दो ही चीजें करेगा यहां पर या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्क्वीज कह सकते हैं आप इसको या फिर करेगा दोबारा दोबारा से हम चार्ट में चलें यहां पर देखें मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूं अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा स्क्वीज मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक जगह पे जैसे वो कहे ना प्राइस एक तरीके से छोटी रेंज बना लेगा या फिर एकदम से वोलोटेल होगा

क्या बेटर है एक्सपेंशन या मतलब कि जो है एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ज्यादा रेंज की मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन कौन सी जगह पर आपको ट्रेड करना चाहिए क्या आप समझते हैं कि हम कॉन्ट्रेक्शन uh, में बेटर ट्रेड कर सकते हैं या एक्सपेंशन में बेटर ट्रेड कर सकते हैं कौन सा बेटर रहता है कमेंट में बताइए मुझे अगर जिनको पता है जो इनको ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन देखिए यहाँ पर कुछ नॉट श्योर sure है बिल्कुल ठीक है जो आपने बताया है। कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है जॉन बोलिंजर ने भी जब इसको इन्वेंट किया था वो उन्होंने क्लियर कहा है कि इसको आप मैनी तरीके से काफी तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं इसका कोई क्लियर ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी रूल से आपको इसको ट्रेड करना होगा कॉन्ट्रैक्टन के आप जहां पर मार्केट स्क्वीज होना शुरू हो जाती है रेंज बनना शुरू हो जाती है तो आप जब उसका ब्रेकआउट होता है आप उसके साथ ट्रेड करेंगे तो यहां पर क्या होगा वॉल्यूम वॉलिटिलिटी बहुत कम हो जाती है और जब उसका ब्रेकआउट होता है फिर आप उसके साथ ट्रेड करते हैं दूसरा आपका आ जाता है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे कि जब एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन का मतलब कि जब ये रेंज बन रही थी जब इसको ब्रेकआउट किया तो आप देखिए फिर कितना यहाँ पर ये मूव करना शुरू हो गया वॉलेटिलिटी ज्यादा आ जाएगी तो दोनों का मतलब क्या हुआ जब यहां पर हम कॉन्ट्रेक्शन की बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी बहुत ही लो हो जाती है इसमें फिर हम ब्रेकआउट के लिए देखते हैं कि कब ब्रेकआउट होगा और फिर हम उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं दूसरा एक्सपेंशन कि जहां पर आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो यहाँ पर फिर आपका ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड दूसरी डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा और फिर आप उसके साथ ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो दोनों ही ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रेक्शन को ट्रेड नहीं कर सकते या एक्सपेंशन को ट्रेड नहीं कर सकते ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं और कैसी स्ट्रेटेजी के साथ यूज कर सकते हैं आप इसको कॉन्ट्रेक्शन में ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर सकते हैं आप इसको एक्सपेंशन में जब मार्केट वॉलेटल हो ब्रेकआउट मिले ट्रेंड बने आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप ये ट्रेड करेंगे ये सही रहेगा दूसरी चीज ट्रेड करेंगे वो गलत रहेगा तो दोनों ही सही चीजें हैं यहाँ पर अब हम चलते हैं दोबारा से अपने ट्रैक में अब चलते हैं हाउ कैन यू ट्रेड विद बोलिंजर बैंड तो बोलिंजर बैंड को ट्रेड करने के लिए काफी तरीके जैसे मैंने बोला जॉन बोलिंजर बैंड की ओपिनियन थी कि आप इसको किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको चार्ट में ले जाऊंगा पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज अभी तक मैंने आपके साथ जो जो बॉलिंजर बैंड है वो सिंपल चीज बताई है कि ये जो बॉलिंजर बैंड है आप इसको सिंपल ट्रेड कर सकते हैं इसके साथ साथ क्या होता है कभी कभी जो काफी ट्रेडर्स हैं मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ डबल बोलिंजर मतलब कि आप एक और एडिशनल बोलिंजर बैंड यहाँ पर आप इसको लगाते हैं तो मैं यहां पर इंडिकेटर में जाऊं हमने अभी केवल सिंपल बोलिंजर बैंड को लगाया था अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप और भी चीजें पर देख रहे हैं इसके बाद फिर आपका आ जा, जाता है बोलिंजर बैंड विथ जो आपको बताता है तो आप इसके साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं जैसे मैंने बोला बोलिंजर बैंड को आप कभी भी अकेले ट्रेड ना करें इसके इंटरनली ही काफी और इंडिकेटर है जो इसके साथ यूज कर सकते हैं जैसे कि ये डबल बॉल इंजर बैंड हो जाता है या फिर आर या मैग क्योंकि दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे जो हम स्ट्रेटेजी जब हम चार्ट में हम देखेंगे अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं जब आपका बेस बन जाएगा फिर हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे अभी यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं तो ताकि आपके बेस ठीक तरीके से बन सके आप इसको समझ सके अब इसका बीबी डब्ल्यू का इसकी विट का क्या मतलब होता है ये भी बाई डिफॉल्ट ट्वेंटी है हम इसको रख रहे हैं तो जब भी आप देखें ये ज्यादा मूवमेंट इसमें शुरू होना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि जो एक्सपेंशन है जो रेंज है वो ब्रेकआउट हो चुकी है वो expansion आप वोलेशन एक्सपेंशन में चल रही है और जब ये रेंज आप देखें बिल्कुल साइड लाइन में चल रहा है तो मार्केट यहाँ पर कुछ ज्यादा मूव नहीं कर रही है यहाँ पर आप देखें एकदम से ऊपर की तरफ तो रेंज इसमें देखिए कितना बड़ी बन गई है यहां पर भी आप देखें तो जब इसमें ज्यादा मूवमेंट आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जब ज्यादा मूवमेंट आएगी तो मतलब कि मार्केट में मूवमेंट है और जब यहाँ पर ये बिल्कुल डेड हो जाती है तो आप देखें कुछ ज्यादा रेंज यहां पर बन नहीं रही है तो इसके साथ आपको सीधा सिंपल अभी के लिए मैं जो बताना चाहूंगा वो आप ये समझिए कि जब इसकी रेंज ज्यादा होगी तो मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है मार्केट में मोमेंटम है मार्केट में ट्रेंड है वो एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है जब यहां पर मोमेंटम नहीं होगा तो मार्केट यहाँ पर बिल्कुल डेड रहेगी तो जहां पर आप देख सकते हैं कि सीधा सिंपल स्ट्रेट लाइन मार्केट में क्या है कुछ मोमेंटम नहीं है सीधा एक एक ही जगह पर मूव कर रही है कुछ ज्यादा यहां पर मोमेंटम नहीं है यहां पर देखें एकदम से फिर मोमेंटम आ गया तो मार्केट में ये आप देखिए वॉलिटिलिटी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी नीचे जाना शुरू हो गया अगेन फिर फ्लैट लाइन

मार्केट मूव कर रही है जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो कहते हैं ना एक हार्ट बीट की लाइन आती है है बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, कुछ नहीं है मतलब डेड हो चुकी है और जब मार्केट में अप डाउन वो इस तरीके से हार्ट बीट ऊपर चलेगी तो मार्केट में मोमेंटम है मतलब की तो जहां पर भी वो ज्यादा मूवमेंट दिखेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो ये हुआ आपका बीबीडब्ल्यू जो आप यूज कर सकते हैं इसके बाद फिर आ जाता है आपका अगर हम एक और लगाएं जो होता है आपका बोलिंजर बैंड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज भी तो यहाँ पर आप देखें ये भी आर की तरह ही काम करता है जो आपको बताता है कि ओवर बोर्ड या ओवरसोल्ड यहाँ पर मार्केट में क्या दे रहा है तो या तो आप आर या मैक डी उनको स्पेसिफिकली यूज करना चाहें या फिर आप विद इन बीबी जो बोलिंजर बैंड की इस परसेंटेज है कि मार्केट कितना टाइम पर ये उससे आउट चल रही है कितना टाइम वो उससे डाउन चल रही है तो ये तो एक रेंज है ही है जो रिबन के अंदर है या क्लाउड के अंदर है जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो तो है ही है और उसके बाद भी फिर जैसे ये अप जाती है यहां पर भी एक कंफर्मेशन है कि वो मार्केट प्राइस ऊपर चला गया है यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है यहाँ पर भी आप देखें कि प्राइस मार्केट से ऊपर बिल्कुल ऊपर लेवल पर अब चल रहा है तो ये एक इंडिकेशन आपको बताता है हम इसको और देख सकते हैं कि कहां, कहां पर ये ओवर या ओवरसोल्ड आपको दिखाता है तो यहां पर आप देखें अगेन इस रेंज में यहां पर ये आउट सेम यहाँ पर आप देखें अपर लेवल में बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है और यहां पर भी ये आउट हो रहा है अप लेवल में तो ये एक अच्छा एक तरीके से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं जब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं कंबाइन करके तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं अभी सिंपल हमने बात करी सिंपल बोलिंजर बैंड की जो एक क्लाउड की तरह है दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आपको विथ बताता है कि मार्केट की रेंज क्या है कितनी वॉलेटिल है मार्केट कितनी बिल्कुल एकदम स्लो है कुछ मूवमेंट नहीं है दूसरा इंडिकेटर जो तीसरा है वो ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड आपको जो परसेंटेज बताता है कि किस कि, किस टाइम पर मार्केट ओवरबोट हो चुकी है कब वो ओवरसोल्ड हो चुकी है और उसके साथ आप इसको कंफर्म कर सकते हैं तो ये सिंपल चीजें तीन ये भी एक अच्छे टूल है जो आप इसके साथ इसको यूज कर सकते हैं अभी चलते हैं दोबारा से हम अपने डेक में अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बोलिंजर बैंड को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं देखिए इसको ट्रेड करने के डिफरेंट तरीके हैं आप काफी तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल एक ही ए, जैसे आर एस आई में कहते वो ओवरबोट वो हो ओवरसोल्ड हो या फिर डाइवर्जेंस इतना ही आप उसको ट्रेड कर सकते हैं या फिर और कुछ आप लगाना चाहें अपने इन्वेंट किया हो पर यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं जो आप इसको आजमाना चाहें उसके साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर जैसे आप यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट ट्रेड जहां पर भी वो ब्रेकआउट हो आप उसके साथ उसको ट्रेड करना चाहें तो अगर हम यहाँ पर देखें मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ इसको हटा देते हैं अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप इसको ट्रेड करना चाहें कि जब ही भी मार्केट आपकी रेंज में बने आपके मल्टीपल टच पॉइंट्स दे रहा है और उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट हो और वो फिर बोलिंजर बैंड के साथ आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये एक तरीका होता है अगेन रेंज बने कैसे जब वो ब्रेकआउट हो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर ये फिर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करेंगे ये आपका सिंपल होगा कि जब भी आपको ब्रेकआउट मिले आप स्क्वीज़ जो भी होता है जो कॉन्ट्रेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं जहां पर भी वो रेंज बननी शुरू हुई हो और उसके बाद उसको ब्रेकआउट मिले और फिर कैसे उसको स्ट्रेट करेंगे मैं यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी डिटेल में जस्ट आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है क्या क्या तरीके हैं जो जिस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं तो पहला है जब आप कॉन्ट्रेक्शन जहां पर भी आपको कॉन्ट्रेक्शन कि मार्केट स्क्वीज होना शुरू कर रही है और फिर बोलिंजर बैंड के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं तो ये एक पहला तरीका है जो वहां पर आप बोलिंजर बैंड को ट्रेड कर सकते हैं जो हमारा सेकंड सेशन होगा हम डिटेल में बात करेंगे स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे दूसरा आता है अगेन मैं डेक में चलता हूँ दूसरा आता है आपका बोलिंजर बैंड विद ट्रेंड तो अब यहां पर आते हैं फिर इसको ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेट कर सकते हैं में इसको क्लियर करता हूं यहाँ पर आप फाइंड आउट करें कि मार्केट में आपका ट्रेंड क्या चला हुआ है तो आप ट्रेंड के साथ से की तरफ दी है कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होंगे किस तरीके से आपको एंट्री लेनी होगी और कैसे फिर आप ये ट्रेंड में जम कर सकते हैं और अपने ट्रेड ले सकते हैं तो ये दूसरा तरीका है पहला कॉन्ट्रेक्शन जहां पर मार्केट स्क्वीज होना शुरू हो दूसरा जब ट्रेंड होना शुरू हो कैसे बुलिंजर बैंड आपको हेल्प करेगा कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं फिर आता है आपका तीसरा बोलिंजर बैंड विद एक्सट्रीम ये इंपॉर्टेंट है काफी ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं काफी इसको यूज करते हैं कि एक्सट्रीम के साथ इसको यूज करते हैं इसमें क्या होता है अगेन मैं यहां पर चार्ट में हूं एक्सट्रीम का मतलब है कि जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड से आउटसाइड निकले जो भी एक्सट्रीम बने उसके बाद फिर आप इसको ट्रेड करने की सोचें तो यहाँ पर अगर आप देखें हम इसको करें। हम इसको ऑब्जर्व करें पर इसे फोर आवर में ही देख रहे हैं जस्ट कि मार्केट जब इस प्राइस से बाहर जब इस रेंज से बाहर जाए इन एक्सट्रीम को कैसे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर जहा, जहां पर भी आप देखेंगे पर ये बाहर गया है उसके हिसाब से फिर आप इसको ट्रेड करने की सोचें जहां पर भी ये बाहर क्लोज हो या फिर प्राइस दे अगर जितना क्लोज हो उतना बेहतर मतलब कि इस इस रेंज से बाहर प्राइस क्लोज हो तो उतना बेटर है एक्सट्रीम को ट्रेड करने के लिए यानी कि जस्ट बिल्कुल बनी बनी है बिल्कुल विक बनी है बिल्कुल यहाँ पर पर यहाँ पर अभी जब ज्यादा रहेगी मार्केट तब आपको बाहर यहाँ पर क्लोज भी होगा जैसे मैंने बोला वो 2.5 परसेंट ज्यादा नहीं होता है बहुत कम रेंज में हमें यहाँ पर मिलता है तो जहाँ पर ये विक बन रही है ये कितनी कहाँ कहाँ पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं जो एक्सट्रीम होती है जो भले ऊपर की तरफ हो या फिर आपकी नीचे की तरफ हो आप दोनों तरीके से आप इनको ट्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें जो भी ये प्राइस बाहर जाता है कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं क्या हमें सेल सिग्नल लेना चाहिए क्या हमें बाय सिग्नल लेना चाहिए उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो एक्सट्रीम एक इम्पोर्टेंट एक, फैक्टर है जो आप ट्रेड कर सकते हैं बॉलिजर बैंड के साथ जस्ट ब्लाइंडली हम इनको ट्रेड नहीं करना चाहिए कि मतलब कि जस्ट ऊपर गया तो हम यहाँ पर सेल के लिए देखेंगे नीचे की तरफ है वो उसने ब्रेकआउट किया तो फिर हम इसमें बाई के लिए देखें बिल्कुल ऐसा नहीं है इतना सिंपल नहीं है जब स्ट्रैटेजी में डिटेल में जाएंगे फिर हम देखेंगे कि वो ट्रेंड के साथ है या क्या सपोर्ट है उन सभी चीजों को आपको साथ में कंबाइन करना पड़ेगा और जैसे मैंने बोला केवल बोलिंजर बैंड को यहाँ पर यूज नहीं करना है इसके साथ आपको दो या तीन चीजें एक साथ लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब हम स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी सिंपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी एक्सट्रीम मिले उसका कुछ मतलब होता है कि प्राइस अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर प्राइस उस बैंड से बाहर क्लोज हुआ है या अंदर क्लोज हुआ अभी मैंने यहां पर एट की सेटिंग ली हुई थी इसलिए रेंज काफी कम थी अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ा दें जो स्टैंडर्ड सेटिंग है हम उसमें चेक करें तब आपको यहाँ पर रेंज इसमें दिखेगी कि आपको अच्छी सी रेंज यहाँ पर मिलती नजर है अब यहाँ पर आप देखें जो सिग्नल है कि यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर गया इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां जहां भी एक्सट्रीम बनती है एक्सट्रीम का मतलब वही कि बोलिंजर बैंड से अब यहाँ पर देखिए प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है तो इसको हमें देखना होगा कि कैसे हम इनको ट्रेड कर सकते हैं कि एक्सट्रीम जहां पर प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुआ हो वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अभी पहले आपको आइस को ट्रेन करना होगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं अभी जिस में आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाहर क्लोज हुआ है एक कैंडल बाहर बनी है तो मतलब कि प्राइस बाहर क्लोज हुआ है ये नहीं कि जस्ट ब्रेकआउट करके एकदम से आ गया यहाँ पर कैंडल बाहर बनी है कि प्राइस बाहर क्लोज हुआ है यहाँ पर कैंडल बाहर बनी है तो प्राइस बाहर क्लोज हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं तो हर एक इन सबकी इंपॉर्टेंस है जब आप एक्सट्रीम के साथ ट्रेड करेंगे और वो कैसे ट्रेड करना है डिटेल में समझेंगे जब हमारा सेकंड सेशन होगा अभी हम यहाँ पर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ रहे हैं अगला आता है आपका जो अलग अलग स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर बात करेंगे कि डबल बॉलिंजर बैंड जो अभी मैंने आपको बताया था डबल बॉलिजर बैंड यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था दोबारा से मैं चार्ट में चलता हूं इसके साथ आपने बोलिंजर बैंड को लिया और इसके साथ फिर याद हो आप ये डबल बोलिंजर बैंड बोलेंजर बैंड विद या फिर परसेंटेज जो आप लगाना चाहें उसके साथ आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट में मोमेंटम कम है कब है उससे आपको आइडिया हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आर या फिर परसेंटेज जो इसी की बीबी की है बोलिंजर बैंड की उसके साथ आप इसको कंबाइन कर सके तो फर्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी है या नहीं है मार्केट कितना मूव कर रही है मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चल रही जहां पर मार्केट डेड है आप वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मार्केट की रेंज ही इतनी नहीं है कि आप वहां पर ट्रेड कर पाएंगे अनलेस आपको ब्रेकआउट मिले जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा तभी फिर आप उसमें ट्रेड के लिए देखेंगे नहीं तो फिर जो ये रेंज बनती है फिर आप रेंज में आप इसको अवॉइड करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट में कब वॉलिटिलिटी है कब रेंज है और कब आपको एंटर करना चाहिए और कब आपको एंटर नहीं करना चाहिए तो ये एक अलग एक और तरीका हो गया और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि बोलिंजर बैंड रिवर्सल जब वहां पर आप रिवर्सल के इसके लिए इसको यूज करते हैं तो अगेन दोबारा से यहाँ पर चलते हैं ये तो अभी बात मैंने की कि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या फिर ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं अब आप फिर कहते हैं कि हमें काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए भी आपको बोलिंजर बैंड आपको हेल्प करता है कि कैसे रिवर्सल कि मार्केट में यहाँ पर आपका ट्रेंड डाउन चला हुआ है और कैसे बोलिंजर बैंड आपको बताएगा कि फिर आपका ट्रेंड रिवर्स होने वाला है फिर आप उसमें ऊपर की तरफ आप ट्रेंड कर सकते हैं फिर आप उसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके साथ साथ जब ये तो बोलिंजर बैंड हुआ अभी इसमें आप क्या क्या चीजें लगा सकते हैं जैसे मैंने बोला आर हो गया आपकी मैगडी हो गई और सपोर्ट या जो चीजें आप जब कंबाइन करेंगे इस बोलिंजर बैंड के साथ तो आपको और ज्यादा डिटेल में अच्छी चीजें पता पल पा, चल पाएंगी कि आपकी रेंज क्या बन रही है तो ये अच्छा टूल है जो आपको हेल्प करता है कि एक तो मार्केट की प्राइस की रेंज क्या है कहाँ तक मार्केट जा सकती है और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं विद इन बॉलिंजर बैंड में जो तो आपको हेल्प करेंगे कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए तो यहाँ पर जस्ट मैं अभी आपके साथ रिकैप करना चाहूंगा जो अभी तक मैंने यहाँ आप, पर आपको बताया है ताकि आप मेरे साथ बने रहें हमने सिंपल चीजों को यहाँ पर बात की है कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है सिंपल मूविंग एवरेज उससे deviation, उस deviation का मतलब क्या है ताकि आपका बेस क्लियर बने कि जो प्राइस की मूवमेंट है जैसे मैं एक सिंपल रबड़ uh, का एग्जांपल लूं अगर आप कोई भी रबड़ लें और उसको जितना खींचें तो नेचुरल स्टेट क्या है कि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल अपनी स्टेट में आएगा तो वो वहां तक जा सकता है पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है तो वापस उसको दोबारा आना पड़ेगा तो सेम वही है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि अगर प्राइस जो मूविंग है इस रेंज इस में रहेगा इस बाल जाएगा पर वापस उसको दोबारा वहां पर आना पड़ेगा और ये जो मैक्सिमम रेंज है इसी के अंदर मार्केट प्राइस मूव करेगा तो

पर अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि किसी को बोलेंजर बैंड अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है तो अकॉर्डिंगली आप कोई इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो यूज करें नहीं करना चाहते हैं नहीं यूज करें तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है या ऐसा नहीं कि यही एक चीज है जिसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं अभी तक हमने काफी सेशन किया हमने पिछला सेशन किया था फिर बना की वहां पर हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी पर अब हम यहाँ पर अब इसके बारे में बात करें अगर आपको इसको ही ट्रेड करना है तो इसके साथ साथ आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं तो हमने एंट्री के लिए बात की हमने स्ट्रेटेजी के लिए बात करी स्टैंडर्ड डेविएशन को समझा सिंपल मूविंग एवरेज को समझा कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और अगर हम इस स्टॉप लॉस लगाने हैं तो क्योंकि हमें एक अच्छी रेंज पता चल जाती है कि मार्केट की जो 95 फाइव फाइव परसेंट मूवमेंट है वो इस रेंज में है तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट पर होने चाहिए और जब हम इसको सपोर्ट या डबल बोलिंजर बैंड या फिर या या फिर MACD, या फिर और भी किसी स्ट्रेटजी के साथ इसको यूज करना चाहें तो आपको वहां पर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं तो ये ये तरीके हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था ये स्ट्रेटजी हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहां पर हम इसमें से कुछ टॉप तो जो अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, जो प्रैक्टिकल है जो काफी यूज की जाती हैं, उनको हम लेंगे ताकि डिटेल में समझ सकें चार्ट में देख सके कैसे इसके साथ हमें एंट्री लेनी है कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है किस तरीके से बोलिंगर बैंड के साथ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है कहाँ पर हमें आउट होना है वो सब चीजों को हम यहाँ पर कवर कर कवर करेंगे अभी के लिए मैं एटलीस्ट ये समझाना चाहता था कि आपका बेस क्लियर बन सके कि आप समझ सके कि बॉलिंग बैंड होता क्या है जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे यूज करें आप सीधा सिंपल स्ट्रेटजी को यूज करना चाहेंगे बिना किसी बेस के बनाए कि होता क्या है तो आपको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये इसका रिजल्ट मिलेगा किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जो पॉपुलरली यूज होती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक्सक्लूसिव uh, लिस्ट है इसके बाद भी और भी है ऐसा कुछ नहीं है कि और भी नहीं है बहुत सी तरीके से आप इसको ट्रेड यूज कर सकते हैं वॉलेंटियर बैंड आपको अलग अलग तरीके से उसके साथ आपको हेल्प करता है आप जब इसको कंबाइन करते हैं तो होपफुली आपको इससे बेसिक आइडिया हुआ होगा आप कुछ समझ पाए होंगे कुछ नई चीज़ें अगर आपको नहीं पता थी तो कुछ नई चीज़ें सीख पाए होंगे ये मेरा आइडिया था यहाँ पर तो अभी के लिए धन्यवाद गाइज यहाँ पर मैं आपके आप क्वेश्चन लेना चाहूंगा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मुझे ई मेल आई डी यहाँ पर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कोई पर्सनली आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर सेंड कर सकते हैं मुझे फॉरक सैलरी यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम है या फिर वेबसाइट फॉर एक्सेल रिकनेक्ट डॉट कॉम वहां पर आप देख सकते हैं अभी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक मैं यहाँ पर आपके लेना चाहूंगा और एक्सनेस से रिलेटेड आपके आपको यहाँ पर रिप्लाई करेंगे थैंक यू कुलवन जी और कुछ क्वेश्चन आए हैं क्यों एन ए बॉक्स में आप ले सकते हैं सर वो क्वेश्चन और सर किसी के भी प्रश्न हो तो आप प्लीज क्यों एन ए बॉक्स में अपने क्वेश्चन को प्लीज टाइप करके पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में मत लिखिएगा थैंक यू ओके okay, uh, यहाँ पर है आर यू वर्क ऑन एल्गो ट्रेडिंग विच इज़ द बेस्ट बी बी स्ट्रेटजी एल्गो देखिए एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एल्गो लगाएं मूविंग एवरेज डेफिनेटली आप बॉलिजर बैंड के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं पर पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हैं मैं आप उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर आपको मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग के लिए बॉलिजर बैंड आप यूज कर सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है आ, विशाल कुमार आ, सर कौन सा इंडिकेटर यूज करूं आपने बहुत इंडिकेटर स्ट्रेटजी बताई है देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेटजी बता चुका हूँ काफी है आप सबको यूज करना चाहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप दो या तीन चीजों को लीजिए उसमें प्रैक्टिस कीजिए मास्टर कीजिए ट्रेड लीजिए उसके बेस पे और उन्हीं में फॉलो कीजिए मैं यहाँ पर आपको रेंज बता रहा हूँ कि ये ये तरीके हैं अगर हमें दिल्ली से बेंगलुरु जाना है तो केवल एक रास्ता नहीं है डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अलग अलग रास्ते हैं किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता है मेरे लिए कौन सा सुटेबल है तो आप सभी को ट्राई कर सकते हैं आप डेमो में ट्राई कीजिए किससे आप बेटर कनेक्ट हो पाए और उसके बाद फिर आप उसको यूज करें आपको सभी यूज करने की जरूरत नहीं है सभी यूज करने जाएंगे डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा यूज करूं कौन सा ना करूं और सभी एक साथ यूज भी नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं कि ये बेस्ट है ये बेकार है ऐसा कुछ नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है आप देखिए डेमो में अप्लाई कीजिए कौन सा आपके साथ कनेक्ट हो पाता है किसके साथ आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं और आपको रिजल्ट मिल पाएंगे आ, सर बोलिजर बैंड में, में पिरामिडिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो ये हमारा पहला सेशन था तो अगर हम पिरामिड कर सकते हैं तो किस तरीके से हम स्केलिंग इसके साथ कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे आ, सारी, SMC को कोई कोर्स या बुक पर अभी SMC के बारे में मैंने बात नहीं की है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वेबिनार करने की जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर हम कवर करेंगे ओके अभी आप बोलिंजर बैंड से अगर पूछेंगे आपको इससे कोई डाउट हो तो वो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा मूव होता है वो बैकग्राउंड काम कैसे करता है

किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन है ये आपको बताता है कि मार्केट की रेंज क्या है कहां पर है कहा पर रेंज में बनी हुई है उसके साथ फिर आप, उसके साथ फिर आप आप जैसे मैंने बोला और उसके साथ इसको यूज करना चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं आर की कौन सी लेंथ बढ़िया होती है किस टाइम फ्रेम में देखिए अगर आप आर की स्टैंडर्ड सेटिंग लगाएंगे तो वो 14 की होती है आप उसको 14 को यूज कर सकते हैं पर बोलिंजर बैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ट्वेंटी का है तो दोनों आप ये लगा सकते हैं जो स्टैंडर्ड होती है जितनी सेटिंग को बढ़ाते चले जाएंगे क्या होगा बढ़ाएंगे और कम करेंगे दोनों में फर्क क्या है जब आप सेटिंग को बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी पर जो सिग्नल आप जिस बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं वो कम होते चले जाते हैं उसी तरीके से आप उसकी सेटिंग को कम कर देंगे अगर मैं फोर्टीन से उसको एट नाइन सेवन नीचे लेके आता रहूंगा तो वहां पर सिग्नल आपको ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे पर उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी तो ये अब आप देखिए कि आपको किस रेंज आपको सिग्नल ज्यादा चाहिए या एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसी तरीके से वो कम करेंगे या बढ़ाएंगे आपको रिजल्ट देगा तो स्टैंडर्ड रखिए और उसके बाद देखिए आपको कहां पर उसको देखना है बढ़ाना है या कम करना है सर इंडिया से ये क्वेश्चन एक्सनेस के लिए होगा ओके बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा बेस्ट टाइम फ्रेम ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है आप अगर जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ खिड़की से बाहर देख रहे हैं आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना कोई नदी दिख रही है सिंपल है आप खिड़की में देखा मैं खिड़की में कहूँ कि आप एक पोर्शन को चार पांच लाइनें खींच दीजिए और अलग अलग उसमें देखिए तो आपको कुछ कम दिखेगा मैं उस, उस और मैं कहूंगा उसपे और लाइने खींच दीजिए फिर आप देखिए और कम दिखेगा फिर कहूंगा की और जितना उसको कवर करते जलायेंगे आपको कम होता कम दिखना शुरू हो जाएगा इसको अगर आप समझ सके टाइम फ्रेम से मैं डेली के टाइम फ्रेम मतलब की पूरी विंडो से देख रहा हूँ फोर आवर मतलब कि अब उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है वन आवर तो चौबीस घंटे में हो गए पंद्रह मिनट और तो वो आप देखिए कि आपके हिसाब से टाइम फ्रेम आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे माइक्रो लेवल पे उसको चेक करना है तो आपके लिए फाइव मिनट फिफ्टीन मिनट वन आवर ठीक है आपको बड़े लेवल पे चेक करना है डेली फोर आवर ठीक है ऐसा कुछ नहीं कि ये बेस्ट है या ये बेकार है आपकी ट्रेडिंग क्या है आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं आप हायर टाइम फ्रेम पर आइए आप इंटरडेटेडिंग करते हैं आप स्कैल्पिंग करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे आइए 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर तो ये आपकी हिसाब से आप जिस टाइप के ट्रेडर हो उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम यूज करना होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट बेकार है डेली डेली अच्छा है या डेली बेकार है 5 मिनट अच्छा है सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पर uh. सर प्लीज आप बताइए एल्गो एल्गो ट्रेडिंग अल्गो ट्रेडिंग हमारा आज का नहीं था टॉपिक नहीं था एल्गो ट्रेडिंग मतलब कि आप पहले से ही रूल को डिफाइन कर देते हैं और वो स्ट्रेटजी जब कोई सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आपको सिग्नल या अलर्ट मिलता है और ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट प्रॉफिट एक तरीके से कहें अपने लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस जब आपने एनालाइज करके लगाए वहां पर वो आपने जो चीज को टेस्ट किया है उसके बेस पे वहां पर ऑर्डर अपने आप ही प्लेस होते हैं ठीक है तो एल्गो ट्रेडिंग में रोबो एक तरीके से कहें कि आप रोबो ट्रेडिंग कर रहे हैं सर टाइम फ्रेम क्या लेना चाहिए मिनट मिनट में में काम करेगा देखिए बहुत चीजें कम ये स्कैल्पिंग के लिए मैं कहूंगा अगर आप डाउन टाइम फ्रेम में जाना चाहेंगे तो वहां पर स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हैं पर आपका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ओके क्या बोलिंजर बैंड एक्स यूडी में भी उतना ही अच्छे से देखिए जहां पर भी मार्केट है आप प्राइस को मत समझिए कि यहाँ पर काम करेगा यहाँ पर काम नहीं करेगा अनलेस वहां पर फंडामेंटल या स्टॉक वगैरह की बात अलग है हम ह्यूमन इमोशंस को ट्रेड करते हैं बायर और सेलर सभी जगह पर सेम ही होते हैं कोई और नहीं होते ह्यूमन से ही रहते हैं मोस्टली अब आजकल रोबोट भी ट्रेडिंग हो रही है पर आप फियर ग्रेड इन्हीं चीजों को ट्रेड करते हैं ठीक है ना यहाँ पर मोमेंटम है आप उन्हीं को ट्रेड करेंगे अब वो गोल्ड में हो वो मेजर करेंसी में हो वो माइनर में हो वो क्रिप्टो में हो तो आप सभी जगह पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली काम करेगी जो एक जगह पे काम कर रही है वो दूसरी जगह पे भी काम करेगी ओके बोलिंजर बैंड की परफेक्ट लेंथ सर जैसे मैंने बोला ट्वेंटी से आप स्टार्ट कीजिए ट्वेंटी स्टैंडर्ड है मैं जो भी आपको टेस्टिंग बताऊंगा नेक्स्ट वेबिनार में वो ट्वेंटी के बेस पे बताऊंगा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कम करेंगे एक्यूरेसी कम हो जाएगी ज्यादा करेंगे एक्यूरेसी कम हो जाएगी पर वही सिग्नल ज्यादा उस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है सी ओ टी देखिए ये डिफरेंट है जो नंबर्स आते हैं ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है जगदीश तो इस पर अगर जरूरत पड़ी हम डेफिनेटली अगर वीडियो भी बनाना हो तो मैं आगे बना दूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बीबी uh, के चैनल में यूज़ कर सकते हैं क्या रेंज में बीबी uh, के चैनल में यूज़ कर सकते हैं क्या रेंज में आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं विशाल क्लियर क्वेश्चन करें आप आप चैनल में भी यूज कर सकते हैं आप रेंज में भी यूज कर सकते हैं पर चैनल और रेंज इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर ट्रेड ले सके अगर आपकी चैनल और रेंज बहुत स्मॉल है फिर आपको इश्यू आएगा फिर वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे हाउ टू मैनेज वन इन ट्रेड अब मैनेज वॉट मैनेज इमोशंस मैनेज रिस्क मैनेज वॉट सारी का अगर आप क्लियर बता पाए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं बी 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 वी बीवीवी वी आप क्लियर बताइए अब फुल फॉर्म तभी मैं यहाँ पर बता पाऊंगा हाउ टू मैनेज स्ट्रेस आई एम इन ट्रेड देखिए साइकोलॉजी के ऊपर दो वेबिनार किए थे जो हमने एक्सनेस के साथ किए थे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है आप उनको देखिएगा वहां पर हमने साइकोलॉजी के ऊपर बात की थी स्ट्रेस के लिए ही बात की थी कि जब आप ट्रेड करते हैं तो वो आप देखेंगे आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प और इन फ्यूचर हम आने वाले दिनों में भी स्ट्रेस के ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर कुछ और वेबिनार करेंगे आर एस आई टाइप बी वी क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया अशोक तो कि आप आर के साथ बॉलिंजर बैंड को कंबाइन कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट वेबिनार करेंगे किस तरीके से हम स्ट्रेटजी को डिटेल में देख सकते हैं और उनके साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं सर मैं बहुत स्ट्रेटजी पर वर्क कर चुका हूँ लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है हाफ स्ट्रेटजी पर स्टे नहीं पाता एंड माइंड खराब है इसके लिए क्या करूं देखिए जैसे मैंने बोला आप स्ट्रेटजी कोई भी लीजिए स्ट्रेटजी खराब या अच्छी नहीं होती है अगर आपको 50 60 उससे रिजल्ट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे लॉन्ग रन में सरवाइव कर सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो पर आपको यही नहीं पता कि आपका रिस्क कितना है कितना लेना है अगर मैं दस ट्रेड लेता हूँ दस में से मैं एक छह सात ट्रेड लेता हूँ जो प्रॉफिट में जाते हैं कोई एक ट्रेड आता है जो मेरा पूरा वहां पर लॉस आया वो पूरा अकाउंट खाली कर देता है तो वहां पर फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो पहले देखिए थ्री सिस्टम जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी आती है फिर आपका फंडामेंटल आते हैं फिर टेक्निकल तो आपका अगर सिस्टम क्लियर नहीं है फिर आप स्ट्रेटजी लगा लीजिए आपके माइंडसेट ये सब कुछ काम नहीं करेंगे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सीखना होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो रिस्क को मैनेज कीजिए रिस्क के ऊपर दो तीन वीडियो बनाए हुए हैं वो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि रिस्क का इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप वन रखते हैं वन रखते हैं वन रखते हैं है, तो कितने परसेंट आपको प्रॉफिट में रहने की जरूरत है फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज है है कैसे ट्रेड करते हैं वो कोई कोई ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं सभी ब्रोकर में आपको नहीं मिलता है अगर आपने बाइक लिया हुआ है और उसको आप ऑफ करने के लिए अपनी पोजिशन को फिर आप सेल ऑर्डर लगाते हैं तो ये ऑफ टॉपिक है मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी अजय नेक्स्ट वेबिनार जो भी होगा वो सोशल मीडिया पर अपडेट आपको मिल जाएगी आपको ई भी आ जाएगी अगर आपने यहाँ पर इसमें रजिस्टर किया हुआ है सर एस एन डी एस एन आर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी हम बात करेंगे जब हम बॉलिजर बैंड के साथ स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में uh, ये के लिए है चिराग का क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं ओके okay. जो भी टेक्निकल बोलेंजर बैंड से रिलेटेड है मैं यहाँ आप पर आपके आंसर करूँगा uh, जो भी होगी आप oh, oh, हम आपको कुछ शेयर कर देंगे और जो भी एक्सन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है हम लोग नोट कर रहे हैं हम लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे जो भी आप एक्सएनएस से रिलेटेडिट पेमेंट से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं डोंट वरी ओके थैंक यू अरविंद कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए फॉर एनालिसिस आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं अरविंद जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कितने इंडिकेटर हैं इतने सारे इंडिकेटर हैं कौन सा यूज करूं आप फाइंड आउट कीजिए आपके लिए कौन से बेटर है आप चार पांच इंडिकेटर लीजिए उनको टेस्ट कीजिए डेमो में देखिए ट्रेड लीजिए कम से कम फिफ्टी हंड्रेड ट्रेड लीजिए किससे आपको रिजल्ट मिलते हैं किससे आप कनेक्ट कर पाते हैं और फिर आप उसको यूज कीजिए जैसे मैंने बोला दिल्ली से बेंगलोर जाना एक रास्ता नहीं है काफी रास्ते हैं ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है ओके okay, सर मुझे आपसे क्लास लेना है मुझे नाइट में दस बजे ही टाइम मिलता है सर प्लीज़ नाइट में क्लास देखिए जो भी क्लास होंगी आप मुझे वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिएगा और ईमेल में वहाँ पर मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा फिफ्टीन डेज कॉम्प्लिकेटेड एंड नो कस्टमर ओके ये अह शीतल uh, जी ये आप मेरे को मेल कर सकते हैं आई विल चेक कि क्या प्रॉब्लम okay. है मैं आपको अपना ईमेल इस पे लिख देता हूं थैंक यू ओके क्यू एंड ए में अभी तक मैं सभी कवर कर चुका हूं चैट में देख लेता हूं अगर चैट में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से मुझे चैट में तो आपके एक्सनेस से रिलेटेड हैं जितने क्वेश्चन हैं अगर और कोई क्वेश्चन हो लाइव ट्रेडिंग करेंगे अमृतर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो भी यहाँ पर ट्रेड है हम स्ट्रेटेजी को देखेंगे बैक टेस्ट उसको करेंगे लाइव ट्रेडिंग नहीं लेंगे लाइव ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ कि आपको लेनी है आप डेमो में उसको टेस्ट करना चाहें करेंगे डेफिनेटली जो भी यहाँ पर आपको बताएं आप उसको डेमो में ट्राई कीजिए ट्रेड लीजिए तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे मैं नहीं कहूँगा कि आप सीधा लाइव में जाए अपना कुछ लॉस करें उसके बेस पे जस्ट पहले इसको टेस्ट कीजिए एजुकेशन परपज के लिए आकाश सर ओनली सपोर्ट एंड असिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड देखिए दोनों चीज़ें हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट और सप्लाई एंड डिमांड दोनों तरीके से काम कर सकता है ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको यूज करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ भी और सप्लाई एंड डिमांड अब उनको डिटेल में समझना होगा पहले आपको सपोर्ट रसिस्टेंस क्या है सप्लाई एंड डिमांड क्या है वो एक अलग टॉपिक हो गया फिर उसको डिटेल में जब जाएंगे तो फिर हम कोई वेबिनार हुआ वहां पर हम इसको कवर करेंगे ओमकार क्या पर्सनल क्लास लेते हैं हाँ क्लासेज हैं आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी जो फॉर्म आप फिल करेंगे सर बीबी लैगिंग है बीबी हाँ

एक्सपेंड होना शुरू होता है मतलब कि और या कब कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू करता है तो एक तरीके से आपको एक आइडिया आप तो हो जाता है कि कब मार्केट में अब एक्सपेंशन है कब या यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन आना शुरू हो गया तो लैगिंग है पर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है ट्रेड कर सकते हैं क्या ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल मेरा एंट्री प्रॉपर नहीं हो रहा है कैसे किस तरीके से ठीक करें देखिए स्ट्रेटजी के ऊपर काफी ट्रेड काफी काफी के ऊपर वेबिनार बनाया। भी दो वेबिनार किए थे फिबोनाकी के ऊपर अगर आप फिबोनाकी को यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं चार पांच अभी और वेबिनार हमने एक्सनेस के साथ पहले किए थे जो मार्च में किए थे वहां पर भी दो तीन स्ट्रेटजी को हमने यूज किया था कैंडल स्टिक को यूज किया था अब देखिए आपके लिए क्या बेटर है यहाँ पर आज हम अगेन बोलिंजर बैंड के ऊपर बात कर रहे हैं क्या आप इसके साथ यूज कर सकते हैं किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं तो कोई भी जो भी हो आपके लिए जो बेटर करती है जिससे आप कनेक्ट कर पाए वो आप देख सकते हैं पर सभी चीजों को एक साथ मत लगाइए नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आप नहीं कर सकते हैं आ, सर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स या वेबसाइट वेब, देखिए वेबसाइट यहां पर देख सकते हैं फॉर एक्टरी कनेक्ट डॉट जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है आप वहां पर जा सकते हैं ईमेल आईडी दी हुई है आप अगर कांटेक्ट करना है आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं ई एम का वेबिनार कब होगा ई एम अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हम अगर वेबिनार करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपाइनेशियल मूविंग एवरेज को भी वहाँ पर कवर करेंगे ऑलरेडी एक वेबिनार मेरे यूट्यूब पे है आप वहाँ पर देख सकते हैं इन फ्यूचर हम थोड़ा और एडवांस करेंगे अगर एक्सप्रेस के साथ मौका मिला तो हम वहाँ पर उसको कवर करेंगे तो जो भी डिटेल्स होंगी आपको आ जाएंगी वो ई पे होंगी या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं ओके okay, और कोई क्वेश्चन है आपके लिए है अविनाश जी का इन चैट में ओके थैंक यू अविनाश मैं चैट नहीं फॉलो कर पाया मैं यहाँ पर क्यू एन ए में रिप्लाई कर रहा था अभी जितने भी क्वेश्चन है अगर चैट में कोई क्वेश्चन है जो बी बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड है मैं आंसर करूंगा एक क्वेश्चन है सर एक इंटरेस्टिंग है करण जी का क्वेश्चन है कि विच स्टडी बेस्ट वर्क्स फॉर यू व्हाट्स योर एज जैसे मैंने बोला आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है हर एक की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है कोई रिस्क को ज्यादा हैंडल करना चाहता है कोई कम लेना चाहता है कोई ट्रेड को एक बार देखना चाहता है कोई बार बार देखना चाहता है कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है तो जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी वो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करे आप रिस्क को मैनेज करें स्ट्रेटेजी कोई भी ले लें भले ही मैं सेम ही स्ट्रेटेजी लू और अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको ट्रेड करूँ तो मेरे लिए काम करेगी आपके लिए भी काम करेगी तो ये आपको देखना होगा क्या वो स्कैल्पिंग के लिए आप कर रहे हैं या आप स्विंग के लिए कर रहे हैं तो प्राइज एक्शन आप लीजिए उसके साथ मैक्सिमम एक या दो इंडिकेटर इससे ज्यादा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है वो कोई भी हो सकता है अभी आप देखिए आप किससे कनेक्ट कर पाए ओके आ, जैसे मैंने बोला गाइस अगर आपको देखना है मेरे काफी वीडियोस हैं स्ट्रेटजी के ऊपर फॉर एक्स सैलरी को आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर आपको चैनल मिल जाएगा वेबसाइट पर काफी हेल्पफुल वेबसाइट है वहां पर काफी टूल्स हैं जो आपकी डे टू डे ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं फ्री हैं आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है forexsalaryconnect.com पर जा सकते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं मुझे कॉन्टेक्ट करना है कोई क्वेश्चन है ईमेल में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर तो ये दो हैं उसके अलावा अगर कोई आपसे पेमेंट मांगता है या पैसे मांगता है किसी चीज के लिए तो वो स्कैम है या फेक है तो प्लीज केयरफुली अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहीं से ज्वाइन कीजिए और जो फॉरेक्स सैलरी के नाम से आप वहां से सर्च कर सकते हैं तो क्यू एन ए में मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं अगर कुछ है आ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता, स्विंग, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देखेंगे जहां पर आप देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पर स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे भले स्विंग में हो डे ट्रेडिंग हो वहां पर आप देख सकते हैं आ, स, ओके विशाल सर हैमर कैंडल के साथ मूविंग एवरेज क्रॉस को यूज करता हूँ या मैगडीज को टेस्ट कर रहा हूं देखिए तो आप कैंडल कैंडल आप ले रहे हैं तो आप सीधा प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं अब आप उसके साथ मूविंग एवरेज क्रॉस एक इंडिकेटर लगा रहे हैं ठीक है आपने एक मूविंग एवरेज क्रॉस को लगा लिया फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए एक और मैगडी को लगा रहे हैं टेस्ट कीजिए देखिए 200 ट्रेड लीजिए 100 ट्रेड लीजिए या कोई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर लीजिए उससे टेस्ट कीजिए ताकि आपका टाइम रिड्यूस हो सके देखिए 100 या 200 ट्रेड में से आपका क्या रिजल्ट मिला रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए 1:5 1:2 जो भी आपको रखना है कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए कितने लॉस में गए रिजल्ट आए मुझे ईमेल में बताइए अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी मैं वहां पर आपको हेल्प करूंगा कि क्या किया क्या नहीं किया ओके आई थिंक और एक्सनेस के साथ हम आगे जैसे कंटिन्यू कर पाए जो टॉपिक है उसके साथ अगर हम इसको कर पाए आपने रिक्वेस्ट दी है मैं उनको नोट कर रहा हूं तो इन uh, फ्यूचर जो भी हमारे प्लान होंगे आ, आगे से वेबिनार के लिए हम टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे जो टॉपिक आप चाहते हैं तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक है और भी दो तीन टॉपिक थे जो आपने पूछे हैं uh, स्वपन आप पूछ रहे हैं मोबाइल पर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं आपने uh, चैट में पूछा है ना देखिए मोबाइल पर ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है उस केस में मैं कहूंगा कि फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग करें फिर आप मोबाइल पे ही ट्रेडिंग करनी हो उसके प्लस एंड माइनस है मोबाइल पे ट्रेडिंग करेंगे अगर आपका डिसिप्लिन डिसिप्लिन ठीक नहीं है आपका माइंडसेट कंट्रोल में नहीं है आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप एडिक्टेड हो जाएंगे और आप बार बार ट्रेड को देखेंगे आप बीच में इंटरफेयर करेंगे क्योंकि आपका काम होता है एनालाइज करना सेटअप देखना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाइए टारगेट प्रॉफिट लगाइए और ट्रेड को भूल जाइए क्योंकि लैपटॉप तो आप 24 घंटे अपने साथ नहीं लेके चलेंगे बार बार नहीं देखेंगे पर मोबाइल आपके साथ रहता है और मोबाइल जब आपके साथ रहेगा आप बार बार ट्रेड देखेंगे बार बार ट्रेड देखेंगे तो आप ट्रेड तो के बीच में आएंगे जो ट्रेड को काम करना था वो आप करना शुरू कर देंगे तो वहां पर फिर प्रॉब्लम है तो अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है माइंड कंट्रोल में नहीं है तो मोबाइल ट्रेडिंग से प्रॉब्लम आएगी पर अगर आपकी वजह से मैंने बोला ऑप्शन ही नहीं है लैपटॉप नहीं है फिर आप कर सकते हैं पर टाइम डिफाइन कीजिए कि मैं दो ही घंटे ट्रेड करूंगा मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो. तो इसके साथ आप डिसिप्लिन के साथ मोबाइल के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं होपफुली तो सो अपन आपका क्वेश्चन आंसर कर पाया मैं ओके okay, और कोई क्वेश्चन सर ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है एनएपी क्या है एनएपी के ऊपर हमने एक्सनेस के साथ वेबिनार किया था अभी यूट्यूब पर है अवेलेबल जो आपकी नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ आती है सो हर फ्राइडे को आती है पहले फ्राइडे को महीने के तो वहां पर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर होते हैं यूएस के उसके ऊपर तो वो डिटेल में हमने बात की थी उस वेबिनार को देखिएगा जहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह सब ये चीजें हमने बात की है ठीक है एनएपी पी नॉन फार्म आपके मिलकर सीखना है तो बिकॉज आई है आप कॉन्टेक्ट कीजिए ई में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी की कौन सी बुक रीड करनी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइए वहां पर मैंने कुछ बुक सजेस्ट की हुई है। आप उनको खरीद सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर या आप किसी बुक स्टोर पर ले सकते हैं पर मैंने जो लिस्ट है बुक्स की वहाँ पर मैंने दी हुई है। या आप एमेजोन पर वहाँ पर इसको बाई कर सकते हैं तो तीन चार बुक मैंने बताई हुई है थैंक यू या थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी क्वेश्चन जो आपने पूछे अच्छे क्वेश्चन थे और मैं आपके रिप्लाई कर पाया और यहाँ पर आप ज्वाइन किए और थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ओवर टू यू नीतिश थैंक यू थैंक यू राणा जी थैंक यू सो मच आपने सब सबका ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए और आई थिंक सबको समझ में आया होगा सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और नेक्स्ट सेमिनार में वेबिनार uh, में किसी के भी कोई डाउट्स हैं तो हम आपको बताएंगे कब है वेबिनार सो आप नेक्स्ट टाइम के लिए रख सकते हैं अपने क्वेश्चन और डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं नीवन जी को थैंक यू एवरी फॉर ज्वाइनिंग ओके थैंक यू गुड बाय गुड नाइट